सर्दियों का मौसम आते ही हमारे खाने का मूड कुछ चेंज होने लगता है। हमें कुछ अच्छा टेस्टी गर्मा गर्म खाने का बड़ा ही मन करता है। तो आज मैंने वड़ा पाव बनाया है, काफ़ी अच्छे बने हैं। रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें लेने हैं बॉइल्ड पोटैटो, इसको छील के रख लें यहाँ पे। लहसुन की कलियों को भी मैंने रफली छील के साफ़ करके रख लिया है। इसको धुल के पोंछ लेना है क्योंकि हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे सरसों के तेल में। गरम गरम सरसों के तेल में डालें और हल्का सा फ्राई करके इसको निकाल लें। ये मैंने निकाल लिया है, इसको डालना है मिक्सी के जार में। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा नमक और देगी मिर्च। इसको रफली हम पीस के रख लेंगे। अभी अभी चटनी तैयार नहीं हुई, अभी और कुछ करना है। यहाँ पे बेसन लें, थोड़ा नमक डालें, थोड़ी हल्दी डालें। अब पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल बना लेना है हमें। ये अच्छा सा गाढ़ा सा घोल तैयार हो गया है। इसको गर्मा गर्म सरसों के तेल में फ्राई करना है हमें। छोटी छोटी बूंदियाँ इसमें डालें और इसको फ्राई कर लें। जब ये कुछ इस तरह की दिखने लगे तो इसको निकाल लें। इसको वापस से डालेंगे हम मिक्सी के जार में। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे साथ में रोस्टेड पीनट भी डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चटनी बनके तैयार हो जाएगी। ये चटनी हमारे वड़े पे लगेगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। तो अब चलिए फिर आलू तैयार करते हैं। तो यहाँ एक पॉट में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच के करीब। इसको हल्का सा भून लेंगे। साथ में डालेंगे नमक, थोड़ा हल्दी, इसको भी भून लेंगे। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना, वो सिर्फ मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे मैं डाली हूँ उबले हुए मैश किए हुए आलू। इसको अच्छा मिक्स देना है हमें। बस ये हमारा आलू का मिक्सचर तैयार हो गया। हल्का सा थोड़ी देर के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे और फिर ऊपर से धनिया से गार्निश करके अच्छे से मिक्स करके इन आलुओं को गैस से उतार लेंगे। बस आलू हल्के से ठंडे हो गए हैं। अब हमें इसे छोटा छोटा सा बॉल बना लेना है इसका और हल्का सा फ्लैट कर दें। इससे क्या होता है, फ्राई करना आसान होता है और कम तेल में ये फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस तरीके की टिक्की सी बना लेनी है। अब जो हमने बेसन का घोल बनाया था ना, उसमें इसे डिप करें और इसको फ्राई करना है। गरम तेल में डालें, सरसों का तेल जो गरम हमने किया था उसी में इसको डालते हुए हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है और जल्दी बन जाता है और बढ़िया सा हमारा टेस्टी इवनिंग, मॉर्निंग या आफ्टरनून में जब भी आपको खाने का मन करे इसको ना, आप खा सकते हैं। अच्छा फुलफिलिंग स्नैक्स है, फूड है, जो भी कहें आप। इसको जिस टाइम भी आप खाएंगे उसका मील का रूप दे सकते हैं। साथ में कुछ सैलड वगैरह आप ऐड कर लें तो ये आपका अच्छा सा लंच या ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स तैयार हो जाएगा। ये हमने बड़े को फ्राई करके निकाल लिया है। चटनी हमने तैयार करके रखी है तो अब बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए, सारे बड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब बन ले आप, इसको बीच से कट करना है हमें। ये हमारा इंडियन स्टाइल बर्गर, इसको आप बोल सकते हैं इंडियन स्टाइल बर्गर। अब कुछ नहीं करना है, तवे पे डालें मक्खन और उसमें डालें थोड़ा सा जो चटनी हमने पीसा था ना, उसी मक्खन पे इसको थोड़ा सा मिलाएं और इन बन को इसमें सेक लेना है। देखिए, जितना मक्खन डालेंगे स्वाद उतना अच्छा आएगा, लेकिन जितना आपकी सेहत को अलाउ करता हो ना, उतना ही डालिएगा। चीज़ें अपनी सेहत के हिसाब से खाएं तो अच्छा है। ये हमारे बन सिक गए हैं तो बस अब इसमें हमें असेंबल करना है। तो थोड़ी सी वो लहसुन वाली चटनी जो हमने बना के रखी है वो डालेंगे, थोड़ी हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी वो वाली जो हम जनरली घर में बनाते हैं अपने, पुदीना, धनिया, आंवला, हरी मिर्च वाली। तो हरी मिर्च हरी चटनी वो है और लाल चटनी का रेसिपी आज आपको दिखाया मैंने। इनको बस असेंबल कर लें इस तरीके से और गर्मा गर्म चाय के साथ इसको एंजॉय करें। ये आपका वड़ा पाव इजीली बन के तैयार है। इजी मेकिंग
वड़ा पाव। खाने में बड़ा ही टेस्टी है, ये देखिए देखने में भी बड़ा ही अच्छा है। इस चटनी को आप रख के यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें किसी जार में डाल के, और इसको कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, रोटियों के साथ भी अच्छी जाती है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।